नमस्कार। जापान और हिंदुस्तान को आज़ादी एक साथ मिली थी, लगभग एक साथ। तो ऐसा जापान ने क्या किया जिसकी वजह से वो आज तकनीकी के मामले में, आज कंप्यूटर्स के मामले में वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है? उन्होंने सिर्फ एक काम किया, उन्होंने ये कहा कि हम अभी ये मानते हैं कि 20 साल तक हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने कहा हम ये मानते हैं कि 20 साल और हम आज़ाद नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक्स को ठीक करेंगे। बेसिक्स में क्या ठीक करेंगे? एजुकेशन को ठीक करेंगे, हेल्थ को ठीक करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे। और देखिए 20 साल में जापान चमक उठा, और जबकि उसके पास, उसकी स्थिति हमसे भी ज़्यादा ख़राब थी, और उसने वो करके दिखाया जो शायद ही कोई कर पाए। उन्होंने जो शिक्षा में सुधार किया, जो संस्कार दिए, वहाँ के विद्यालयों में कोई चपरासी नहीं होता, कोई पियोन नहीं होता, कोई गेटकीपर नहीं होता, कोई फोर्थ क्लास एम्प्लॉय होता ही नहीं है, वैसे ही वहाँ जल्दी से मिलते नहीं हैं। कौन करता फिर वो काम, वो सारी सफाई, वो सारी फाइलों को इधर से उधर ले जाना, वो सब गेट का ध्यान रखना, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के बच्चे, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है उनको जिससे कि वो आगे लाइफ में भी उनके वो हर चीज़ें काम आती रहें। थैंक यू।